आज हम बना रहे हैं प्याज की कचौड़ी। उसके लिए हम लिए हैं 1 कप मैदा, 1 नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच अजवाइन। इसको मैं से रब करके डालेंगे, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और अब हम इसमें रिफाइन ऑयल डालेंगे, खस्ता भूजिए। और 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे। अब हम कचौड़ी का मसाला तैयार करेंगे। तो पहले 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया, इसको अच्छे से सुनहरा होने तक भूनेंगे। भुने हुए मसाले को अच्छे से दरदरा पीस ली। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे 2 चम्मच के लगभग। वही मसाले डाल देंगे। और अब उसमें डालेंगे स्लाइस प्याज, मैंने 2 प्याज लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक 1 इंच अदरक, जिसको मैंने कद्दूकस कर दिया था, और 2 हरी मिर्च ये भी बारीक कटी हुई, ½ चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। थोड़ी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 चम्मच बेसन डाल देंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक खुला हुआ आलू, इसको भी मैश करके अच्छे से डाल देंगे। और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और
अब हम इसमें एक चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे। मसाला हमारा तैयार है। Para